नमस्कार दोस्तों, कुमार इलेक्ट्रॉनिक में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक ऑस्कर का टेलीविज़न है जो कि इसमें ऑपरेटिंग की प्रॉब्लम है, ऑपरेट नहीं हो रही है। तो इसका प्राइमरी तो ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी में कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, ये 110 वोल्ट की सप्लाई चेक कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से शायद इसमें पावर नहीं आ रही है, इसलिए इसमें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे, किसी पर भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक बार इसके पावर को चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें पावर नहीं आ रही है। तो एक बार मैं अच्छे से इसके पावर को लगा लूँगा, फिर से एक चेक करके दिखाऊँगा। तो अभी देख सकते हो फ्रेंड्स, कैपेसिटर पे हमें वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब हमारा टीवी में जो वोल्टेज है वो आ गए हैं। तो जैसे कि अभी मैं चेक कर रहा हूँ, 110 वोल्ट सप्लाई हमारी 110 की जो हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पर, और 20 वोल्ट की हम चेक करेंगे। तो जैसे कि अभी देख सकते हो 20 वोल्ट भी हमें मिलने लगे हैं। तो ये आउटपुट पर जो भी वोल्टेज हमें मिलते हैं वो सारे सही से प्राप्त हो रहे हैं। और अभी हम इसको चेक कर लेंगे, यहाँ से ट्रेस करके ले जाएंगे कि ये वोल्ट हमारे यहाँ से आ रहे हैं। ज़्यादातर ये जो सप्लाई यहाँ से हमें 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट से मिलेगी, जो कि हमें ऑपरेटर का काम कराती है। तो जैसे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये सारे वोल्ट हमें क्लियर मिल रहे हैं, और अभी हम यहाँ से चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है, जो कि ये यहाँ पर हमें जो 5 वोल्ट की सप्लाई निकाल के देगा, जो कि हमें प्रोसेस आईसी पर जाएगी, उसे हम ऑपरेट करने के लिए हमें यूज करनी होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ट्रांजिस्टर है ना, ये शॉर्ट हो चुका है, इसलिए इसके वोल्टेज जो 12 वोल्ट की सप्लाई दिखाई देती है वहाँ पर वही 3 से 4 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि 3, 4, 5 वोल्ट हमें इसकी आउटपुट पॉइंट पे मिलना चाहिए, जो कि इसकी 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ बैठ जा रही है, ड्रॉप हो जा रही है। तो क्या करेंगे हम, इसको चेंज करेंगे। ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये प्रोसेसर आईसी को यही ट्रांजिस्टर से ड्राइव किया जाता है, यहाँ से जब 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है तब ये ऑपरेट होती है। तो हम इसका पहले तो इसको देखेंगे चेक करके, जो भी मैंने इसको इसको रीसोल्ड कर दे रहा हूँ, और देखता हूँ कि क्या होता है। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख पा रहे हो, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, कभी भी कोई भी सेटअप खोलते हो तो सबसे पहले वोल्ट चेक करने के बाद अगर हमारे वोल्ट ठीक मिलते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि सभी को रीसोल्ड कर दें, क्योंकि ज़्यादातर सेट के अंदर ड्राई की प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर सेट ड्राई की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ऑपरेट हो जाते हैं। तो अभी मैंने इसको मैंने इसमें ये जो ट्रांजिस्टर था वो शॉर्ट था, इसलिए मैं निकाल के और यहाँ दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया है। और जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, तो अभी मैं इसको साफ़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी सोल्डिंग करते हैं तो बारीक सोल्डिंग के कट रह जाते हैं, तो कहीं शॉर्ट होने की प्रॉब्लम कर देंगे, तो इसलिए मैं इसे ब्रश से मैंने साफ़ कर दिया है। अभी मैं इसको ऑपरेट करने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी अभी मैंने कनेक्शन नहीं करी है। तो कनेक्शन करने के बाद अभी मैं इसको चेक कर लूँगा, अभी भी ये ऑपरेट नहीं हुआ है सेट। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये इसको पैनल वाले फॉन्ट से इसको शॉर्ट करके ओपन कर लिया, क्योंकि इसका पैनल अलग है तो ये ऑन नहीं हो रही थी, तो अभी मैंने इसको ऑन कर लिया है। और फ्रेंड्स, देख पा रहे हो, ये हमारी जो डिस्प्ले है बिल्कुल ठीक आ गई है। तो अभी हम इस पर वीडियो भी लगा के देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट है कम से कम 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो कि अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट रहेगी, तो
तो बहुत जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइब और हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपसे ये उम्मीद है मेरी कि ये आप कर दोगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, तो मैं आपको डिस्प्ले की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि टीवी हमारा ऑडियो वीडियो पे कैसा चल रहा है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, टीवी हमारा बिल्कुल ऑपरेट सही से हो गया है, पर इसमें जो कलर की प्रॉब्लम है, तो ग्रीन और येलो कलर जो आ रहा है आप देख सकते हो, वो तो साफ ही दिख रहा है। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है, तो हम इसे चेक करेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ से है और इसमें नेचुरल कलर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हम फिर से इसे एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम बेस से आती है, तो इसको मैंने ड्राई सोल्ड कर लिया है, फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं है। अब हम इसके बेस को ही निकालेंगे, इसको आप बेस चेंज कर देंगे, हो सकता है कि इस बेस से ही प्रॉब्लम हो। अगर बेस से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम जाके आगे चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने बेस को ओपन कर लिया है और इसमें हम नया बेस लगा देंगे, उसके बाद फिर से टीवी को ऑपरेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने नया बेस लगा के सोल्डिंग कर दी है और हम फिर से एक बार इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी ये जो इसमें जो प्रॉब्लम थी, ये कि ये 2482 का जो ट्रांजिस्टर था वो उसका ख़राब था, ओपन था, इसलिए इसमें कोई कलर ठीक से नहीं आ रहे थे। तो अभी मैंने इसको ट्रांजिस्टर को इसमें चेंज कर दिया है, तो ये टीवी हमारा अब सही कलर आ रहे हैं। आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से कलर आ रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स इतना ही सा वीडियो था। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।